कपूर विधानसभा के चचई गांव में सड़क व पुल का निर्माण किए जाने की मांग को लेकर ग्रामीण मुखर हो गए हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मुलाकात करते हुए पुल का निर्माण करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि चचई मोटर मार्ग में पुल का निर्माण किया जाना है। बीते 6 साल बाद भी विभाग पुल का निर्माण नहीं कर सका है, जिस कारण लोगों को यातायात सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि सड़क नहीं होने के कारण गांव में बीमार व वृद्धजनों को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि पुल निर्माण के लिए यदि 1 सप्ताह के भीतर टेंडर आमंत्रित नहीं किए गए तो ग्रामीण आमरण अनशन करेंगे। इधर जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने ग्रामीणों को पुल निर्माण का भरोसा दिलाया है। ग्राम पंचायत चचई से 7 या 10 जने दल बल के साथ यहाँ आए हैं, क्योंकि हमारी समस्या ये है, 7 साल पहले हमारी रोड कट चुकी है चचई ग्राम पंचायत के लिए, तो उसमें 2 मोटर पुल हैं ना, तो वो मोटर पुलें बंद रही हैं। 2 बार टेंडर हो चुका है, दोनों बार हमारा टेंडर कैंसिल करा दिया गया। तीसरे बार हम लोग 3 बार 3 जिला अधिकारी चेंज हो चुके हैं, बागेश्वर के अंदर 3 को मिल चुके हैं। 50 बार हम कपकोट एक्शन पिट बल्डी एक्शन को मिल चुके हैं, लेकिन हमें ऐसा आश्वासन होता है कल करेंगे, परसों करेंगे, 1 महीने में करेंगे, 10 दिन में करेंगे, कहीं से भी मतलब ना बागेश्वर जिला अधिकारी से ना कपकोट से हमारा सोल्यूशन नहीं निकला, झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि पैदल रास्ता, तो इन्होंने रोड रोड करके पूरा ख़त्म कर दिया है, और जो रोड है उसमें बरसात का मलबा आ गया है, उसमें चलने लायक नहीं हो रहा है। छोटे स्कूल के बच्चे हैं और डिलीवरियाँ हैं, वृद्धा कोई कभी बीमार होता है, उनको लाने ले जाने के लिए हमें 8-8 आदमी चाहिए डोली में। वो भी रास्ते में कहीं अगर दुर्घटना होगी, कोई गिर गया, तो उसका जुम्मा और ये शासन प्रशासन रहेगा, क्योंकि हमें तो परेशान किया जा रहा। दूसरा क्या है, हमारा मटेरियल आता है, किसी का मकान है, गरीब लोग है, बेरोजगारी है, मकान बनाते तो हल्द्वानी से 120 रुपया है कुंडल का भाड़ा, हरशिला से हमारा चचई 200 रुपया भाड़ा है। तो हम लोग जैसे आज कल हमारे आवास आए हैं भाई, आवास तो हमारे लोहा सीमेंट का पैसा मिलता है, उसमें हमारा ढुलाई में ही सारा पैसा लग जा रहा है। तो सरकार है, सरकार को सुविधा भी तो देनी चाहिए हमें, सरकार के भरोसे है हमें। वो तो बोल देना भाई तुम्हें आवास दिया है अच्छा बनाओ, लेकिन हमारा जो आवास है वो मटेरियल में ही ख़त्म हो जा रहा है, भाड़े में ही ख़त्म हो जा रहा है। तो पब्लिक इतनी परेशान है चचई की, 1000 बार आगे पिछले महीने ही हम उतरानी से पहले कपकोट एक्शन साहब से मिले, एक्शन साहब ने हमें क्या बोला, चलो हम तो अपना टेम्परेरी व्यवस्था कर देते हैं, नदी में एक जालों में पत्थर भर के लगा दिए हैं, अब उनको मशीन के लिए बोलते हैं 3 दिन में भेजेंगे, कभी बोले 4 दिन में भेजेंगे, 2 महीने हो चुके हैं, वो 4 दिन आ ही नहीं रहे, मतलब झूठा आश्वासन से अलावा हमें कुछ दिया नहीं जाए। तो हमने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, अगर संडे तक हमारा मतलब टेम्परेरी व्यवस्था रोड सफाई नहीं होगी, पुल का टेंडर नहीं होगा, तो मंडे से हम अनशन में बैठेंगे और कोई ना कोई रोड जाम करेंगे, और उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। CCN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।